हेलो एवरीवन आई एम आकाश गौर वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू लेके आऊँगा ये वीडियो वन है इसके बाद और भी वीडियो आएगी इसकी गाइस लो लेवल से हाई लेवल तक सारे पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ एम को आप लोग सब पढ़ते रहा करो आज नहीं तो कल कॉम्पिटिशन फाइट करना ही है हमें ठीक है स्टार्ट करता हूँ गाइज पहला है हमारा अप्रोसेस गाइस सब लोग से आंसर की उम्मीद है मुझे सब लोग आंसर जरूर दीजिएगा मुझे अप्रोसेस इन विच लार्ज मोलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मोलिक्यूल बोलना है वह क्रिया जिसमें बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ा जाता है क्या कहलाती है गाइस ब्रेकडाउन कहलाएगी तोड़ने की प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन कहलाएगी डाइजेशन कहलाएगी या ऑल जल्दी जल्दी वीडियो को रोको गाइस वीडियो को रोक के मुझे कमेंट करके बताओ सब लोगों के कमेंट पढ़ूंगा इसका जो राइट आंसर है वैसे मैं बता दूं डाइजेशन क्योंकि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है गाइस ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना डाइजेशन नेक्स्ट बढ़ता हूँ नॉर्मल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बोलना है कि जो नॉर्मल लेंथ एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है लगभग पाँच सेंटीमीटर नौ नौ मीटर लगभग सेवन पॉइंट फाइव सेंट मीटर या सेवन पॉइंट फाइव मीटर सेंटीमीटर गाइस सब लोग से कमेंट करने की रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ इसका आंसर राइट मैं बता दें लगभग नौ मीटर जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई यानी कि जो आहार नाल मुंह से लेकर गुदा तक ये पूरी जो लंबाई होती है इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है लगभग नौ मीटर इसकी लंबाई होती है गाइज नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ टंग यूज फॉर स्वीट टेस्ट बोलना है कि जीभ जो हमारी जीभ होती है जीव नहीं जीभ थोड़ा सा गलत हुआ है जीभ के कौन से भाग में मीठे स्वाद का पता लगता है अपेक्स वाले भाग में यानी कि अग्र भाग में रियर यानी कि पश्च भाग में साइड में यानी कि बगल वाले भाग में या ऑल देखो देखोगाइज वैसे मैं बता दूँ इसका जो राइट आंसर होगा गाइज़ एपेक्स अग्र ये जो फ्रंट वाला भाग होता है ना हमारी जो टंग होती है इसमें रिसेप्टर टंग सेंस रिसेप्टर पाए जाते हैं यहाँ पे क्या होता है यहाँ से हमको बिटर बिटर स्वाद पता लगता है शोर यानी कि हमें यहाँ से शोर का पता लगेगा ठीक है शोर मतलब खट्टा खट्टे का यहाँ पता लगेगा ठीक है और और हमें सिंपली स्वीट स्वीट का जो है स्वीट का मीठे का पता फ्रंट वाले भाग से लगता है और नीचे सोल्टी नमक वाला पता सोल्टी नीचे लगता है ठीक है तो याद रखना है इसके रिसेप्टर इंपॉर्टेंट uh, है हमारे टंग के अलग अलग पार्ट से अलग अलग टेस्ट का रिसेप्टर आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत जगह पूछा गया है ये क्वेश्चन का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ मैं राइट right आंसर इसका एपेक्स होगा ठीक है ह्यूमन टीथ आर ऑफ टाइप ह्यूमन मनुष्यों के दांत का प्रकार है थिकोडोंट डाइफोडोंट और हेट्रोडोंट इनमें से कौन से जो दांत है मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं गाइस जल्दी प्लीज जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ इनमें से कौन से दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं थिकोडोंट डाइफोडोंट हैटेरोडोंट इसका जो राइट आंसर है गाइस थिकोडोंट नहीं गाइस राइट आंसर डाइफोडोंट नहीं राइट आंसर हेट्रोडोन्स यानी कि तीनों प्रकार के दांत हमारे मुंह में मनुष्य के अंदर इस तीनों कैटेगरी के तीनों प्रकार के दांत हमारे अंदर मिलते हैं तो राइट आंसर है गाइस डी यानी कि सभी ये सभी दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट बढ़ता हूं हाउ मच टेम्प्रेरी टीथ फाउंड बोलना है कि जो टेम्प्रेरी टीथ यानी कि जो दूध के दांत होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है देखना होगा इस कितने इंटेलिजेंट है जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि, कि कितने दांत बच्चों के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं दांत मतलब बच्चों के अंदर जो है ना मैंने की जो मिल्क टीथ दूध के दांत जिसे हम कहते हैं कितने दूध के दांत होते हैं जल्दी जल्दी कमेंट्स करके मुझे बताओ कि कितने दूध के दांत पाए जाते जल्दी गाइस दूध के दांत कितने होते हैं गैस सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ इसका जो राइट आंसर होगा गाइस ट्वेंटी बीस दांत बच्चों के अंदर पाए जाते हैं इन बीस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं इन बीस दांत को सिंपली हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ ठीक है यानी कि दूध के दांत तो राइट आंसर ट्वेंटी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस ऊपर होंगे दस नीचे होंगे गाइस ठीक है दस और दस बीस नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो के में पूछा है, इन में से कौन से दांत दूध के दांत नहीं होते प्रीमोलार अग्रचव मोलार, मोलार चवरणक एनसेरसंथक के नाइन इनमें से ऐसे कौन से दांत है ऐसे इनमें से कौन से कैटेगरी के, के दांत है जो कि बच्चों में नहीं पाए जाते हैं जल्दी से आप लोग कमेंट्स करो कमेंट करके मुझे बताओ गाइज इनमें से कौन से दांत है जो बच्चों के अंदर नहीं मिलते राइट आंसर है, right है गाइज़ प्रीमोलर यानी कि अग्रचवक बच्चों में विकसित नहीं होते हैं यह दांत जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब ये विकसित होने लगते तो गाइज राइट आंसर होगा इसमें प्रीमोलर प्रीमोलर दांत बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ गाइज में हमारे शरीर में ग्रस नली की लंबाई कितनी होती है नॉर्मल लेंथ ऑफ ईसो फेगस की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है गाइस जल्दी कमेंट करो जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि ईसोफेगस की जो लंबाई है लेंथ होती है कितनी होती है क्या 26 सेंटीमीटर है 27 सेंटीमीटर है 90 सेंटीमीटर है या 25 सेंटीमीटर होती है जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कितनी लंबाई होती है राइट आंसर दिया है वो ट्वेंटी फाइव इज राइट आंसर ट्वेंटी फाइव ये जरूर बताना गाइस किसने राइट आंसर दिया है ईमानदारी से ठीक है ऑनेस्टली मुझे बताना है कौन कौन राइट आंसर दे रहा है ठीक है नेक्स्ट आहार नाल की किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट ऑकर्स डाइजेशन ठीक है एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर हमारा पाचन नहीं होता है गाइज जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से भाग में डाइजेशन नहीं होता इसोफेगस में इंटेस्टाइन में माउथ में या स्टमक में तो राइट गाइज है जिस जिसने माउथ आंसर दिया वो एक्सीलेंट गलत है राइट आंसर होगा गाइज इसका ईसोफेगस ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली ये फूड पाइप होता है ये केवल खाना अंदर लेने के काम में आता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है ठीक है इंटेस्टाइन में होता है मुंह में भी होता है और स्टमक यानी कि पेट में तो पाचन हो गई होगा तो राइट right आंसर है गाइस ईसोफेगस ग्रास नली इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ बोलस के ग्रास नली में पहुंचते ही शीतलन होता है उसे क्या कहते हैं बोलना है वेन बोलस इंटर देन देट स्टार्ट रिलैक्सेशन प्रोसेस अब ये बोलस क्या है ये समझ लो गैस हम जो खाना मुंह में चबाते हैं ना जब उसको हम निगलते हैं अंदर स्वेल करते हैं जब जैसे ही निगलेंगे तो वो गोल हो जाता है गोलस गोल हो जाता है ये रहा गोलस जैसे ही हमारे फूड पाइप में यानी कि गले में आता है तो हमारा गले चौड़ा होता है ठीक है फूड पाइप शिथलन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करेगा जब करेगा ना गाइज ए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उस समय पे कोई प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फूड इंटर खाना आना बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन संकुचन बोलेंगे पेरेस्टाइल्सिस पेरेस्टाइल्सिस बोलेंगे या फिर लास्ट वाला रिलैक्सेशन गाइज जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका राइट right आंसर क्या हो सकता है ठीक है राइट आंसर गाइस जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका राइट right आंसर क्या होगा वैसे मैं बता दूँ जिसने फूड इंटर बोला है ना वो एकदम रॉन्ग है गाइस तो इसका जो एक्सी एक्सीलेंट जो राइट right और करेक्ट जो आंसर होगा वो राइट right आंसर होगा गाइस पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस इज़ द राइट आंसर तो पेरिस्टाइलिस पे राइट लगाओ और पेरिस्टाइलिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेरिस्टाइलिस ऐसी प्रक्रिया है जिस भोजन हमारे अंदर आता है वो किस मूवमेंट से आता है पेरिस्टाइलिस मूवमेंट से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है गाइस अमाशे का कौन सा भाग छोटी आत के सबसे पास होता है विच पार्ट ऑफ स्टमक नियरेस्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरस वाला भाग फंडस वाला भाग बॉडी या कार्डियक रीजन इनमें से जल्दी आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके ये बताओ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा राइट आंसर है गाइज इसका पाइलोरस देखो यहां से ना आपकी छोटी आज चालू हो जाती है ठीक है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे जो स्टमक का सबसे छोटा भाग है पास वाला भाग है छोटा नहीं पास वाला भाग है वो है पाइलोरस तो पाइलोरस इज अ राइट आंसर गाइस ठीक है प्लीज कमेंट करते रहिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं वेयर इज प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे मुँह के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है या पेट के अंदर होती है या इसोफेगस में होती है कहाँ पर पाई जाती है ईसोफेगस में मिलेगी मुँह में मिलेगी स्टमक में मिलेगी या ए बी यानी कि ईसोफेगस और मुँह दोनों में मिलेगी कहाँ पे पाई जाएगी जल्दी जल्दी गाइज मुझे प्लीज आप लोग के कमेंट जल्दी मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो गाई इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ ग्लैंड नहीं पाई जाती इस तरह की स्टमक इस राइट आंसर हमारे के अंदर पाई जाती जठर रस बनाती तो स्टमक इस इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं जठर ग्रंथि क्या स्त्रावित करती अब स्टमक में तो होगी पर वो क्या स्त्रावित करेगी क्या प्रोडक्शन करती है गाइस पेप्सिन लाइपेज एंजाइम या गैस्ट्रिक जूस तो सबको पता है गाइज राइट आंसर होगा गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर या जठर रस बनाती है ठीक है जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक जूस को बनाती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज़ ये भी बहुत जगह पे पूछा गया है ठीक है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इज़ अ राइट आंसर नेक्स्ट जठर रस के संबंध में इनमें से क्या गलत है बोलना चाहता है विच इज़ इनकरेक्ट रिलेटेड टू द गैस्ट्रिक जूस है ना उसके बारे में कुछ कथन है जो गलत हो सकते हैं इनमें से कौन सा गलत है एसिडिक नेचर बेसिक नेचर येलो कलर या पीएच एच याद रखना इसमें जो गलत है वो बेसिक नेचर है कभी भी जो हमारा गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो अम्ली वो छारी अम्लीय नहीं सॉरी छारिय नहीं होता है वो हमेशा अम्लीय होता है तो राइट है गाइज अम्लीय तो ठीक है अम्लीय होता है ये तो सही है गलत नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता बेसिक नेचर राइट आंसर है गाइज़ बी और येलो कलर याद रखना गैस्ट्रिक जूस का येलो कलर होता है उसका जो पी होता है वन से टू होता है उसका पी ठीक है तो राइट आंसर इसमें हम लोग मैंने बता दिया बेसिक नेचर में नहीं पाया जाता कभी भी ठीक है नेक्स्ट बढ़ता हूं जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका के द्वारा म्यूकस स्त्रावित होता है अब हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना गाइस उससे म्यूकस भी बनता है कौन सा म्यूकस बनता है वो बताओ गोबलेट सेल ओजेंटिक सेल पेप्टिक सेल या बेजल सेल गोबलेट ओजेंटिक पेप्टिक या बेजल इनमें से राइट आंसर गाइस क्या होगा जल्दी जल्दी आप लोग प्लीज़ यार गाइस कमेंट करो मुझे कमेंट्स चाहिए आपके आई नीड योर कमेंट ताकि मैं मुझे फीडबैक मिलेगा तो ही ना मैं आगे बढ़ूँगा गाइस तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर वैसे मैं बता देता हूँ गाइस गोबलेट सेल जो गोबलेट कोशिका होती है वो म्यूकस रिलीज करती है आपके स्टमक के अंदर ठीक है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का एक भाग होता है गोबलेट सेल इज़ अ राइट आंसर गाइस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ मैं जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका के द्वारा एच सी एल स्त्रावित होता है हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना गाय उसकी कौन सी कोशिका कौन सी सेल के द्वारा जो होता है एच सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है अभी मैंने बताया आपको पीछे जठर ग्रंथि में म्यूकस जो होता है गोबलेट सेल से निकलता है परंतु पंद्रहवा क्वेश्चन मैंने पूछा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा बनता है तो राइट right आंसर है इस ओजेंटिक ओजेंटिक कोशिकाएं नाम से कोशिकाएं हमारे अंदर पाई जाती है स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जिसके जिसके थ्रू एच का प्रोडक्शन होता है तो राइट right आंसर है ओजेंटिक सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ जठर ग्रंथिया सॉरी जठर ग्रंथियाँ कौन सी कोशिका के द्वारा एंजाइम विस्त्रावित करती है अब जठर ग्रंथिया है ना इसके अंदर कौन सी ऐसी सेल है जो एंजाइम बनाएगी अभी मैंने एंजाइम की बात नहीं करी एंजाइम बनाएगी गोबलेट सेल ओजेंटिक सेल पेप्टिक सेल या बेजल सेल। तो राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर तो हुआ सी इनमें से कौन प्रोटिवलाइटिक एंजाइम है विच इज द प्रोटिटिक प्रोटियोलाइटिक मतलब जो प्रोटीन को प्रोटी मतलब प्रोटीन लाइटिक मतलब तोड़ना कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है पेप्सिन रेनिन एच या ए एंड बी जल्दी जल्दी बताओगे इस पेप्सिन रेनिन एच कौन सा एंजाइम है जो कि आपके सिंपली आपके जो स्टमक में जो एन जो प्रोटीन है उसको तोड़ेगा तो राइट आंसर होगा गाइस ए एंड बी पेप्सिन भी तोड़ता है और रेनिन भी तोड़ता है ठीक है दोनों प्रोटीलाइटिक ही एंजाइम है नेक्स्ट अमाशय में भोजन किस टाइम तक कितने टाइम तक रुकता है हाउ मच टाइम फूड स्टेन स्टमक कितने टाइम रुकेगा एक से पाँच घंटे चार से पाँच घंटे तीन से दो घंटे या एक दिन तो इसमें राइट आंसर का होगा चार से पाँच घंटे तक हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है वो रहता है उसके बाद वो इंटेस्टाइन में चला जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन और मल के रूप में वो बाहर निकाल दिया जाता है तो राइट आंसर हुआ गाइज इसका तीन से चार से पाँच घंटे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ निम्नलिखित में से किसका पाचन मुख में चालू हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार डाइजेशन इन माउथ किस चीज़ों का पाचन जैसे हम लोगों ने खाना खाया तो मुंह से पाचन चालू हो गया पर किस चीज का वसा का चालू होगा प्रोटीन का होगा कार्बोहाइड्रेट का होगा या विटामिन का होगा तो गाइज राइट आंसर इसका होगा कार्बोहाइड्रेट तो इज अ राइट आंसर क्योंकि मुंह से कार्बोहाइड्रेट पचना चालू हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं निम्नलिखित में से किसका पाचन अमाशे में चालू हो जाता है बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट डाइजेशन इन स्टमक पाचन हमारे स्टमक के अंदर किस चीज़ का डाइजेशन चालू होता है लिपिड का प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट का या विटामिन का तो गाइस प्रोटीन इज अ राइट आंसर क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का माउथ में चालू होता है और प्रोटीन का स्टमक में राइट right आंसर है गाइज बी इज आ राइट आंसर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका पाचन छोटी आंत में चालू होता है अब छोटी आंत के बारे में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोविंग स्टार्ट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में गई वसा का पाचन चालू होता है ठीक है वसा का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग अमाशे में पचा हुआ भोजन जब छोटी आत में आता है तब उसे क्या कहते गैस जो हमारा स्टमक है उससे फूड डाइजेस्ट होके कहा जाएगा इंटेस्टाइन में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बोलस बोलस तो अभी बताया था जो मुंह से हमारे इसोफेगस में आया था ना उसको बोलस बोला था बोलस नहीं बोल सकते काइम काइल ए एंड बी तो right राइट आंसर से खाना पचकर हमारी इंटेस्टाइन में जाता है तब इसे काइम के नाम से बोलते हैं तो काइम इज अ राइट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम जेजुनम, इलियम या सी कम बोलना है छोटी आत का सबसे छोटा भाग क्या होता है तो गाइज जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मुझे बता दो इसका आंसर तो कि राइट आंसर ड्यूडेनम है जेजुनम है इलियम है या सी कम है तो गाइज यहाँ पे आपको भाग दिख रहा है ये डायग्राम में देखो सबसे छोटा भाग आपका जो होता है ना ड्यूडेनम होता है ड्यूडेनम छोटी आत का सबसे छोटा भाग होता है तो राइट आंसर इज ए नेक्स्ट है भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है वेयर इज मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस सबसे ज़्यादा मुंह में होता है स्टमक में होता है लीवर में होता है या छोटी आंत में होता है गाइज जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्योंकि इसका राइट आंसर है गाइज लीवर लीवर में डाइजेशन नहीं होता गाइज डाइजेशन होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो राइट आंसर होगा गाइज डी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल हमारी जो एलिमेंट्री केनाल है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है माउथ मुख होता है स्टमक अमाशे होता है लीवर होता है या इस्माल इंटेस्टाइन होता है तो राइट right आंसर है इस्माल इंटेस्टाइन आहार नाल का सबसे बड़ा भाग यानी कि हमारी बॉडी में एलिमेंट्री जो कैनाल है उसका सबसे बड़ा भाग होता है इंटेस्टाइन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता छोटी आंत में उंगलियों के जैसी संरचना को क्या कहते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन फ़िंगर लाइक स्ट्रक्चर फ़िंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं विलाई फिंगर्स बैक्टीरिया या फंगस इसके अंदर जो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं गाइज विलाई ठीक है छोटी हाथ के अंदर ऐसे धागे जैसी संरचना होती है फिंगर जैसी अंगलियों जैसी संरचना होती है इसे विलाई के नाम से बोलते गए तो राइट आंसर होगा गाई इसका विलाई यानी कि फंगस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है मेन फंक्शंस ऑफ विलाई सेक्रेशन करना एब्जॉर्बशन करना डाइजेशन करना या प्रोडक्शन करना गाइस जल्दी जल्दी प्लीज कमेंट करके बताओ इसका राइट right आंसर होता है गाइस अवशोषण गलत है पाचन गलत है प्रोडक्शन गलत है स्त्रावण गलत है तो सही क्या है इसका जो गाइज एब्जॉर्ब्शन यानी कि जो राइट right आंसर है बी इज अ राइट आंसर अवशोषण करती है हमारी विलाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे छोटी में एंजाइम को कार्य करने के लिए माध्यम चाहिए विच इज मीडियम रिक्वायर फॉर वर्किंग ऑफ एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी में कैसा माध्यम चाहिए एसिडिक चाहिए बेसिक चाहिए नेचर चाहिए या ए एंड बी एसिड बेस दोनों चाहिए गाइज राइट आंसर इसका है इसका क्षारिय बेसिक नेचर अब आपने पहले देखा था जो हमारा पेट होता है ना पाचन वहाँ पे होता है छा अम्ली होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है परंतु स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक नेचर चाहिए होता है वर्किंग करने के लिए एंजाइम्स को नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में एंजाइम को कार्य करने के लिए माध्यम चाहिए अमाशय में एसिडिक नेचर चाहिए अभी बोला वो इंटेस्टाइन में बेसिक चाहिए नेक्स्ट अपेंडिक्स किस किस भाग से जुड़ता है अपेंडिक्स का अटैच होता है तो यह याद रखना छोटी आत में जो आपका जेजुनम है, सिकम है या ड्यूडेनम है किससे अटैच होता है सिकम से जो नीचे वाला भाग आपको डायग्राम में दिख रहा है ये रसकम यहां से अवशोषी अंग होता है इससे अटैच होता है सिकम इज अ राइट आंसर नेक्स्ट है भोजन के अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं यस फीकस जब हमारा फूड है पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे फीकस बोलते हैं गैस प्लीज वीडियो देख रहे हो यानी कि मैं आपका गुरु हूँ मैं गुरु दक्षिणा के रूप में एक चीज आपसे मांगता हूँ प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को गाइज सब्सक्राइब करो क्योंकि याद रखना गाइज बिना जो आप लोग अगर गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो आपका पढ़ा हुआ कोई चीज काम नहीं आएगा प्लीज यार गाइज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए आप ही लोगों को हेल्प मिलती है हिंदी प्लस इंग्लिश में बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है विजिट करके देखो थ्योरी भी मिल जाएगी गाइज एन फिजियो माइक्रो बायो केमिस्ट्री नर्सिंग का भी है मिल्टीडी मिल्टी सारी चीजें आपको मिल जाएगी मेरा चैनल विजिट करके देख लो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर